हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल लाइक वंदना 2000। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और मस्त एकदम सब्जी, मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आलू, शिमला मिर्च और गाजर, मटर मैंने रख लिया है कट करके, और यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्चा तड़का लगाने के लिए रखी हूँ। यहाँ पर ली हूँ हींग और जीरा। तो तेल हो गया है लाल, गर्म हो गया है तेल, तड़का लगा देते हैं गाइस। इसमें हींग जीरा की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, इसको आप रोटी से या फिर दाल चावल से खाइए, बहुत मस्त लगता है। तो लहसुन को थोड़ा सा पकाना है हल्का गोल्डन होने तक, तो ये हल्का सा लाल हो जाएगा। तो इसमें हम कटे हुए प्याज और मिर्चा डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन पक गया है, प्याज मिर्चा डाल दिए, इसको हल्का भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। गाइस, इसकी सब्जी बहुत मस्त लगती है, मिक्स वेजिटेबल। इसमें आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे बीन्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर। तो मेरे पास ये सब अभी सब्जी नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं बन इसको डाली हूँ। ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, शिमला मिर्च, मटर, गाजर और आलू का। तो देखिए, मैंने प्याज को बस एक में से चार टुकड़े करके उसको बीच बीच से निकाल ली हूँ, उसका एक एक लेयर ऐसे सब्जी में डाली है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज मिर्चा पक गया है, लहसुन, तो इसमें सारी सब्जियाँ डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे, मतलब चलाएंगे। इसको चलाने के बाद ढक देंगे और ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाएंगे। और गाइस, इसमें मतलब थोड़े से तेल ज़्यादा लगता है ये वाली सब्जी में, तभी सब्जी अच्छे से पकती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से हल्दी, लगभग आलू पक चुका है तो थोड़े से हल्दी में डाल देती हूँ, और टेस्ट के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक डाल दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे और फिर ढक लगा के पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू एकदम से पक गया है, तो यहाँ पे मैं एक टमाटर डाल दूँगी लंबे लंबे काट करके, और एक पैकेट मसाला 1 रुपए वाला। इसकी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस मसाले से। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस। तो गाइस, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आलू अच्छे से पक गया है, आलू, गाजर सब कुछ पक गया है अच्छे से। तो इसको मैं 1 मिनट और इसको मिक्स करूँगी और थोड़े से चला करके फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटा धनिया डाल दिया है, थोड़े से लहसुन के पत्ते हैं। तो देखिए गाइस कितना मस्त बना है सब्जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ जैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना भी था गाइस, मेरे घर में सबको पसंद आया। ऐसे में छोटे छोटे ब्लॉग लेकर आती रहती हूँ गाइस। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।